हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन को आप कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं बिना बटन्स के। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन को रीस्टार्ट आप कैसे कर पाएंगे मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं और कैसे रीस्टार्ट कर पाएंगे फ़ोन को, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी जिसका आप यूज़ करके फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है तो आपको जाना है स्पेशल फंक्शंस पे। इस पे जाकर आपको सिंपली एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। तो एक्सेसिबिलिटी पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक्सेसिबिलिटी मेन्यू सेटिंग्स का ऑप्शन आता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हैं और ऑन करके एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को ऑन करके फ़ोन को आप रीस्टार्ट भी कर पाएंगे बिना बटन्स के। देख सकते हैं किस प्रकार से रीस्टार्ट कर सकते हैं। बस ग्रीन शॉर्टकट्स पे जाना है, फिर आपको पावर शॉर्टकट्स पे चले जाना है। तो पावर शॉर्टकट्स पे जाकर फ़ोन को आप जैसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक कर देंगे तो फ़ोन आपका रीस्टार्ट हो जाएगा बिना बटन्स के, और इस पे क्लिक करके फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन को, एंड आप चाहें तो शट डाउन भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट भी आप कर पाएंगे बिना बटन्स के। तो इस तरीके से फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं बिना बटन्स। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।